आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दादा दोड़ा डेयरी फार्म में। आज जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक लाजवाब राठी नस्ल की गौमाता लेके आया हूँ। और इसकी खासियत मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस गौमाता ने 21 लीटर दूध अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर दिया हुआ है, यानी 21 लीटर दूध ये निकाल चुकी है एक दिन का। और काफ़ी दुधारू ये गौमाता है और ये सेल के लिए भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि आप इस गौमाता के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राठी नस्ल के हिसाब से एवरेज कदकाठी के अंदर ये गौमाता है और काफ़ी भारी भरकम अडर क्वालिटी के साथ, काफ़ी हैवी पुठिए के साइज के अंदर और अच्छी कदकाठी के अंदर गौमाता है। बिल्कुल अच्छे मुठियादार थन और थनों के बीच में बिल्कुल प्रॉपर साइज का गैप, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, इसने कल ही अपनी एक सुंदर सी बछड़ी को जन्म दिया है, जो कि आप इसके सामने देख सकते हैं। और अभी फिलहाल आप अपने सामने इसके चारों थनों की धार देख रहे होंगे, बिल्कुल ही ओके कंडीशन में चारों थन, किसी भी प्रकार की गांठ छर्रा रुकावट किसी भी प्रकार की गौमाता के अंदर नहीं है। बिल्कुल ही शांत स्वभाव की गौमाता है। अब अगर इसकी दूध की और ब्याथ की डिटेल्स की बात करें तो तीसरी बार इस गौमाता ने अपनी इस बछड़ी को जन्म दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कल ही। और दूध मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, 21 लीटर इस गौ माता ने अपने दूसरे ही लैक्टेशन में कर दिया था। तो अब की बार हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये गौ माता 22 प्लस जाएगी, और हमें पूरा विश्वास भी है कि ये गौ माता 22 प्लस जाएगी। और आप इसकी अडर क्वालिटी से इसकी मिल्क कैपेसिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लगभग सारी डिटेल्स मैंने आपको इसकी दे दी हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, या फिर मुझसे कोई जानकारी छूटती है आपको बताने को तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही गौमाताओं की वीडियो रेगुलरली रूटीन के अंदर लाता रहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।